वहीं संकट से जूझ रही कंपनी जेट एयरवेज के करीब 200 पायलटों ने वेतन नहीं मिलने के कारण 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। पायलटों की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे को पत्र लिखा गया है, जिसमें हड़ताल पर जाने और कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि SBI के जरिए पायलटों की सैलरी के लिए 29 मार्च तक फंडिंग आने की बात कही गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है। साथ ही मैनेजमेंट की ओर से सैलरी को लेकर भी कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से दिल्ली और मुंबई के पायलटों ने 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि SBI की अगुवाई में नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के कर्मचारियों का भुगतान लंबित है, जिसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से विचार विमर्श कर एक योजना बनाई गई थी। ईंधन के दाम में इजाफा और भारी प्रतिस्पर्धा के कारण जेट एयरवेज पिछले 6 महीने से नकदी के संकट से जूझ रही है। कंपनी के पट्टेदारों, हवाई अड्डों संचालकों और तेल कंपनियों को भुगतान करने में भी देरी हो रही है। इसके अलावा कंपनी के वर्कफोर्स के हिस्से को भुगतान करने और कंपनी के संचालन को बनाए रखने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।